डबल बॉटम पे अभी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि अभी यहाँ पे उस जो चीज बन रही है ये पैसा आपको अच्छा खासा कमा के दे। MMTCS इसका सिंबल एक नेम लिस्टिंग डेट दे सकते हैं 9 अप्रैल 2012 को ये ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। इसका PE अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेक्टर का PE निफ्टी 500 में आता है। ज़्यादातर हम 500 के ही स्टॉक लेते हैं। अगर आपको मिड कैप वगैरह कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं 137 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 37 पे ट्रेड कर रहा है। इसका इंटर डे का देखिए वही लो है और हाई यहाँ पे इसका वही है 38 है। अगर एक साल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 34 रुपये नवंबर 2021 को गया था, ये 34 रुपये गया था, और हाई गया था यहाँ पे 31 जनवरी 2022 को गया था, ये 64 का हाई बनाया था इस स्टॉक ने। इस तरीके से उसकी ओवरऑल जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। थोड़ा सा उसका जो पिछले कुछ सालों में उसने परफॉर्मेंस कैसा किया है वो देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसके रिटर्न के बारे में बात करें तो वो भी देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा 1 वीक का भी माइनस है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 एक मंथ में 4% से माइनस चला गया है। ये अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें भी आपको माइनस में है 40%। अगर आप 5 साल से वो भी माइनस में है तो कुछ पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी स्टॉक प्लस में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये लगभग ये स्टॉक था, ये हाई देखिए उसका मैक्सिमम ये 1300 का स्टॉक 9 रुपये पे लो पे आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और SIP के बारे में बात करें तो SIP थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है, रिटर्न अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें तो उतना बढ़िया स्टॉक का नहीं है। लेकिन ट्रेड अभी यहाँ पे जो डबल बॉटम बन रहा है उसके हिसाब से हमने ये ट्रेड लिया है। चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, रिव्यू देख सकते हैं। इसका तो काफ़ी मेरे ख्याल से बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो ये 2022 और 2021 में प्रॉफिट इसका माइनस में चला गया है, प्रॉफिट उतना कंपनी को हुआ नहीं है, इसलिए वो कंपनी धड़ल से नीचे गिरी है। APP से देख सकते हैं, BVP भी देख सकते हैं, ROE भी देख सकते हैं, डेट ऑफ इक्विटी देख सकते हैं। कंपनी ने बहुत खर्चा है, फंडामेंटल भी इतना स्ट्रांग मेरे ख्याल से स्टॉक नहीं है। पिछले कुछ परफॉर्मेंस से भी इतना स्टॉक यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। तो सिर्फ ये बाजू है इसमें जो कि चार्ट के ऊपर ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो चलिए आप वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं और कुछ हमने यहाँ पे रखा वाला है आपके लिए। तो हम ये बता रहे थे कि अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर देखें तो ये स्टॉक यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम की स्थिति यहाँ पे बन रही है और ये निक लाइन है, हम यहाँ पे उसे निक लाइन बोलते हैं। यहाँ से आया, यहाँ पे इसने मारा, फिर इसने निक लाइन को यहाँ पे नीचे आया, फिर से ये ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक जो उसका हाई था जो जनवरी में उसने लिया था शायद उससे आगे पीछे चला जाए। तो इस हिसाब से डबल बॉटम पे ये स्टॉक अभी दिख रहा है, डबल बॉटम चार्ट पे वो अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये निक लाइन है, यहाँ से नीचे आया फिर सपोर्ट इसमें यहाँ पे और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया फिर ऊपर चला गया। तो इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर कुछ बारे में और भी जानकारी देने की कोशिश करें तो इसका सपोर्ट जोन जो होगा वो मेरे ख्याल से 60 का लगभग 56 का रहेगा, और रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन नहीं सॉरी रेजिस्टेंस जोन अगर आप वही बताएंगे तो आपको यहाँ पे ये एक सपोर्ट हो सकता है, ये कितने का है 35 का है, ये एक हो सकता है या भी या फिर ये हो सकता है, सपोर्ट पे ही मिल रहा है वो अब यहाँ पे स्टॉक। तो इस तरीके का ये स्टॉक, ये काफ़ी हाई स्टॉक है, ये 1300 करीब उसका हाई था, उससे नीचे अभी तक इसमें आया है। यानी ये स्टॉक है वो फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, ना ही कुछ पिछले कुछ सालों में इतना परफॉर्मेंस इतना बेटर दिया है।
वो भी इतना बढ़िया सा नहीं है, लेकिन चार्ट के ऊपर ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बढ़िया दिख रहा है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा टारगेट रख करके आपको फटक से थोड़े प्रॉफिट निकलने के बाद निकलना चाहते तो बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि चार्ट यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है मुझे इस यहाँ पे स्टॉक का, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि क्योंकि सभी अगर चीज़ें अच्छी रहेंगी तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कैसा हम यहाँ पे पिक करेंगे। ऐसे स्टॉक जो रहते हैं वो मल्टी बैगर स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी अच्छा नहीं बनाया है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत है, और कंपनी के या जो अगर कुछ मैक्सिमम यानी पूरा हाई लो देखिए पूरे, तो इसका हाई 1300 के आसपास था और लो 9 रुपये का था। तो इस रेंज में ये स्टॉक अभी 9 रुपये से ऊपर बढ़ के अभी यहाँ पे इतना आ गया है। तो हो सकता है कि अभी हमने यहाँ पे जो आपको डबल बॉटम के बारे में बताने की कोशिश की है, तो उस अगर आप चार्ट के ऊपर अगर पैटर्न बनाते, अगर इसमें कुछ अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला तब ट्रेड बना सकते। तो उससे पहले हम बताएंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा, तो टारगेट रहेगा 43 का हम यहाँ पे रखेंगे, यानी 43 टारगेट रखेंगे, पोजीशन 37 पे बनाएंगे और 44 का हम ये स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत बढ़िया है। ये सपोर्ट आगे इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सपोर्ट तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो इसी हिसाब से हमने ये चूज़ किया है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो काफ़ी नीचे आ सकता है। तो उसका दूसरा सपोर्ट जो मुझे दिखा वो 27 का था और हाईएस्ट उसका 56 था शायद रेजिस्टेंस जोन। ये पहला पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, और ये पहला रेजिस्टेंस ये है, और 64 का शायद दूसरा हम बना सकते हैं इसे इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिए, क्योंकि चार्ट ही इसका पॉजिटिव है, बाकी सब इसके बारे में नहीं। ये जो चार्ट दिख रहा है यही सबसे बढ़िया इसका पॉजिटिव ट्रेड बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसने फिर उसने फिर उसने फिर उसने फिर उसने, और अभी यहाँ पे ये बॉटम की स्थिति बन रही है। तो ये निक लाइन है, हम इसे निक लाइन बोलेंगे। स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर सकते, और टारगेट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर यहाँ का भी कर सकते हैं, इस तरीके से टारगेट को हम सोचेंगे। तो इस बार अब ये बताने की कोशिश करेंगे कि सभी इसके ट्रेड के जो कंपनी के वहाँ निगेटिव है, लेकिन चार्ट बहुत बढ़िया सा दिखा रहा है मुझे, डबल बॉटम पे ये खड़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था।